चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो घंटे का आइकन है प्लीज़ आप उसे ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता भदौरिया, इंडियन यूट्यूबर, और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपको अगर सूखी खांसी की प्रॉब्लम है तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, सूखी खांसी होती क्यों है? कभी कभी ऐसा होता है बदलते मौसम की वजह से जुकाम हो जाता है, आपको छींकें आती हैं और बलगम नहीं निकलता है, और जब बलगम छाती में जम जाता है तो इस वजह से सूखी खांसी हो जाती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एक सरल और आसान नुस्खा जिससे आपको बहुत जल्द से जल्द आराम मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेंगे काली मिर्च। तो ये देखिए, यानी कि ब्लैक पेपर, ये हम ले लेंगे करीबन 10-12 दाने ले लिए यहाँ पे मैंने, और ये काली मिर्च आपको आराम से मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो काली मिर्च दाने ले लेंगे 10-12, और अब इसमें हमें, अब दोस्तों ये जो काली मिर्च है, काली मिर्च आपके गले में जो संक्रमण होगा, इन्फेक्शन होगा, उसको ख़त्म करेगा, और ये काली मिर्च आपका जो कफ होगा, जो कफ जमा हुआ होता है, उसको ये पिघलाएगा और पिघला करके बाहर निकालेगा। अब इसमें दूसरा इंग्रेडिएंट हमें डालना है मिश्री, और ये वही वाली मिश्री है जो हम पूजा में चढ़ाते हैं, पूजा में जो भोग लगाते हैं वो वाली मिश्री है। तो आप ये मिश्री ले लें मार्केट से, मिश्री के भी हम करीबन 15-20 दाने डाल देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों इसको आपको करना क्या है, आप रोज़ सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम आप इसमें से 2 काली मिर्च लीजिए, और इसमें से ये जो मिश्री के टुकड़े हैं, इन मिश्री के टुकड़े को भी ले लीजिए 5-6 इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 काली मिर्च और मिश्री के 5-6 टुकड़े, तो आप इसको अपने मुंह में रख कर के इसको अपने आप से घुलने दीजिए, यानी आपको चबाना नहीं है, आप मुँह में रख लीजिए, इसको चूसिएगा तो इसका जो रस है ये आपके गले से होके जाएगा, तो गले के सारे तो बैक्टीरिया ख़त्म कर देगा जो सूखी खांसी के होते हैं, और जो बलगम आपका जमा हुआ होगा वो बलगम को ये पिघलाएगा। तो आप इस तरीके से, जब बलगम आपका पिघल जाएगा तो वो फिर आपका बाहर निकल जाएगा, और जब बलगम ख़त्म हो जाएगा तो सूखी खांसी भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी अच्छी हो जाएगी। तो इसको आप सुबह, दोपहर, शाम, यानी कि 2 काली मिर्च और 6 वो टुकड़े मिश्री के आपको सुबह खाना है, चूसना है मुंह में डाल करके, सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपको इसको खाना है। आप देखना आपको पहले दिन से ही आराम मिलेगा, सूखी खांसी आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और जल्दी जल्द से जल्द आपको आराम मिल जाएगा। तो आप इसका सेवन 4 दिन तक लगातार करें तो आपको पूरा आराम मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल का आइकन मिलेगा प्लीज़ आप उसे जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। चलिए तो मैं मिलती हूं नई वीडियो साथ, तब तक के लिए ना।